नमस्कार। सबसे पहले सभी जीते हुए प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाइयाँ सभी जीते हुए प्रत्याशियों को। आज मार्च 10, 2022 को बहुत सारे लोग जीते हैं और उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मैं सुनील चौधरी अलीगढ़ से हूँ और सबसे ज़्यादा बधाई के जो पात्र हैं आज के चुनाव के परिणाम में, वो हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कमाल किया है और बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। उनको विशेष विशेष शुभकामनाएं। किसी पहलू पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्या क्यों कैसे, सिर्फ रिजल्ट के ऊपर बात है कि रिजल्ट में जीते हैं वो, उनको शुभकामनाएं। और बीजेपी को स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ, क्योंकि उन्होंने कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जोरदार वापसी की है और जिसकी मतलब बहुत से लोग कह रहे थे कि नहीं है संभावना। अब मेरा एक निवेदन है योगी जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, दोबारा बने हैं। मेरा निवेदन है माननीय योगी जी से, 2017 में उन्होंने बेहतरीन सड़कों का वादा किया था, उस वादे को निभाएं और बेहतरीन सड़कों की ओर उत्तर प्रदेश को लेकर चलें तेज गति से। क्या किया है क्या नहीं किया है वो सब अलग की बात है, बट मैं आगरा, अलीगढ़, वृंदावन में देखता हूं और हमें एक बेहतरीन सड़कों की आवश्यकता अभी है। दूसरा, ग्राउंड लेवल पर जो ऑनेस्टी है अधिकारियों की, पुलिस डिपार्टमेंट की, वो बेहतरीन होनी चाहिए। ज़्यादा ऑनेस्टी की, ज़्यादा जनता के प्रति रिस्पेक्ट की, जनता के प्रति पोलाइट बिहेवियर की आवश्यकता है। तो योगी जी से निवेदन है कि इसके ऊपर भी वो अपना काम करें और जनता को अच्छा फील होना चाहिए, फ्रीडम फील होना चाहिए, रिस्पेक्टेड फील होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एजुकेशन सेक्टर में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। सरकारी स्कूलों में बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो योगी जी एजुकेशन सेक्टर को प्लीज तेज गति से इम्प्रूव करें, क्योंकि अगर एजुकेटेड सोसाइटी होगी तो सब कुछ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। एजुकेशन इज द बेस, शिक्षा आधार है, कृपया इस चीज को समझें। सिर्फ रिकॉर्डों में अच्छी शिक्षा से कोई काम नहीं चलने वाला, ग्राउंड लेवल पर हमें अच्छी शिक्षा चाहिए। तो निवेदन है आपसे, मेडिकल फैसिलिटीज में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। आज भी आगरा के सरकारी हॉस्पिटल, अलीगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल, मथुरा के सरकारी हॉस्पिटल, और मैं मानता हूँ कि हर एक जिले के सरकारी हॉस्पिटल में ये व्यवहार है कि जनता कॉन्फिडेंट फील नहीं करती है, तो जनता को कॉन्फिडेंट फील कराएं, मेडिकल फैसिलिटीज को इम्प्रूव कराएं, नया सिस्टम लेकर आएं। न्यू रिवॉल्यूशन, नई क्रांति, नया सिस्टम। थोड़ा बहुत सुधार की आवश्यकता नहीं है वहाँ, बहुत बड़े रिवॉल्यूशन की आवश्यकता है माननीय योगी जी। और यूपी में, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आप एनकरेज करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स आएँ और अपना बिजनेस सेटअप करें। और मेरे जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं छोटे, और जो बड़ा बनना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई साफ रास्ता तैयार करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रीलांसर बनने में कंफर्टेबल फील करें। सोशल मीडिया एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग पर काम कर रहे हो, और कोई भी अगर डिजिटल फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हो तो उसके लिए भी उन्हें एक ट्रैक बनाकर दो आप, कि किस तरीके से वो अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकें, पहचान दिलवा सकें। तो सरकार की तरफ से अगर एफर्ट होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। बाकी बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, इसी तरीके से बढ़िया काम करते रहें आप। बार बार आपकी सरकार हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें तो सिर्फ विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, और सिर्फ कागजों में नहीं चाहिए, ग्राउंड लेवल पर चाहिए। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस।